कि जब भी हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास जब भी पैसा आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले हमारे शौक पूरे करते हैं। अगर कोई ट्रेंड में कोई भी एक नया आउटलुक अगर चल रहा हो, या फिर किसी एक्टर एक्ट्रेस ने कोई एक अगर आउटफिट पहना हुआ हो, तो हम उस आउटफिट को कॉपी करते हैं। हमें पता नहीं कि वो कपड़े कितने महंगे हैं, बट फिर भी हमें उसने पहना है इसलिए हमें पहन लेना है बस। कि जिस उम्र में उन्हें अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, उस उम्र में अपने माँ बाप के सर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। तुम जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो, कुछ लोगों का वैसा सपना भी है वैसे जिंदगी जीने का। उन लोगों के बारे में सोचो कि आपको जो भी चीज चाहिए वो आप दो ले सको। आपको आईफोन चाहिए, आप दो आईफोन लेकर दिखाओ, एक खुद के लिए एक अपने अब्बू के लिए। आज 70-80% लोग हैं, और उनमें से भी ज्यादातर हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं कि जो अपनी लाइफ में उन्होंने कोई बड़ा काम तो नहीं किया हुआ है, और ना ही वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, ना ही उन्होंने कोई एक हायर पोजीशन जो है सिक्योर की है अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बताते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी जो हम रोते रहते हैं हम सब लोग बार बार कि यार हमारे कौम में जो है गरीबी बहुत है, इसकी एक मेन वजह यह है कि जब भी हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास जब भी पैसा आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले हमारे शौक पूरे करते हैं। हमें जिन चीज़ों का शौक होता है हम उन चीज़ों को सबसे पहले खरीदते हैं। हम लर्निंग, एजुकेशन, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, इन चीज़ों को हम कभी भी प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं देते। जब भी हमारे हम हमेशा बिला ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदते हैं जिसकी हमें अभी नीड ज़रा भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने दिखाने के लिए, उस चीज़ का शो ऑफ करने के लिए हम वो चीज़ को खरीदते हैं। अगर कोई ट्रेंड में कोई भी एक नया आउटलुक अगर चल रहा हो, या फिर किसी एक्टर एक्ट्रेस ने कोई एक अगर आउटफिट पहना हुआ हो, तो हम उस आउटफिट को कॉपी करते हैं। हमें पता नहीं कि वो कपड़े कितने महंगे हैं, बट फिर भी हमें उसने पहना है इसलिए हमें पहन लेना है बस। हमें महंगी से महंगी घड़ी चाहिए, हमें से हमारे पास मोबाइल होकर भी जो है हमें नया नया महंगा सा महंगा मोबाइल चाहिए, नई बाइक चाहिए, नए शूज चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बस लोगों के सामने इस चीज़ का दिखावा करना है। जरा सोचो कि आजकल के हमारी कौम के लोग क्यों फाइनेंशियल कंडीशन से क्यों गुजर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्यों खतरे में है? बिकॉज वो अपने पैसों का सही जगह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कई सारे ऐसे नौजवान यूथ को, बच्चे बच्चियों को, कि जिस उम्र में उन्हें अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, उस उम्र में अपने माँ बाप के सर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। अब्बू के घर की मंथली अर्निंग उतनी नहीं है, उनकी घर की मंथली अर्निंग जो है बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो उनके शौक है वो बहुत ज्यादा है। अगर फ्रेंड सर्कल में अगर दोस्त ने कुछ नई चीज लिया, अगर दोस्त हमें कुछ बताता है, देखो मेरा नया मोबाइल, देखो मेरी नई घड़ी, हमें भी वो चीज चाहिए होती है ताकि हम भी दिखा सके कि हमारे पास भी बहुत पैसा है, तो हम घर पे आके हमारे घर पे आके पूरा घर सर पे उठा लेते हैं कि हमें नया मोबाइल चाहिए, नई बाइक चाहिए, जिसकी जरूरत होती तो नहीं है। जरा एक बार निकलो अपने अब्बू की जगह जो है, आप कमाने के लिए निकलो, आपको पता चलेगा कि कुछ पैसों के लिए हमें कितना अपने आप को घिसना पड़ता है बस कुछ पैसे कमाने के लिए। और जरा उन लोगों के ऊपर भी गौर करना कि तुम्हारे पास जितना है उनके पास तो उतना भी नहीं है। तुम जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो, कुछ लोगों का वैसा सपना भी है वैसे जिंदगी जीने का। उन लोगों के बारे में सोचो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से हमेशा नीचे दर्जे वाले लोगों को देखो, उनसे सीखो कैसे वो अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहकर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और हमें बस जितना है उससे ज़्यादा चाहिए। इंसान की फितरत है, अगर उसके हाथ में पूरी दुनिया भी दी जाए ना, तो भी उसे लगेगा कि मुझे चांद के ऊपर जाना है, मुझे ये वाले प्लेनेट उस प्लेनेट में जाना है। ये इंसान की फितरत है, उसे हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। क्यों? ताकि वो दिखा सके, बस दिखावा कर सके। और 80-70% सारी की सारी यूथ इसी चीज़ के पीछे लगी हुई है। जब भी तुम घर पे अपने जिद करते हो अपने अब्बू के सामने, अपने अम्मी के सामने कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फला वो चीज चाहिए, तो अपने लाइफ के अंदर ना अपनी खुद की एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करो, अपना खुद का एक ऐसा रुतबा, अपने खुद की एक ऐसी पहचान डेवलप करो कि आपको जो भी चीज चाहिए वो आप दो ले सको। आपको आईफोन चाहिए, आप दो आईफोन लेकर दिखाओ, एक खुद के लिए एक अपने अब्बू के लिए। आपके दोस्त लोग क्या कहते हैं कि देखो मैंने नया आईफोन लिया, मैंने नई बाइक ली है। आप कहोगे कि मैंने दो आईफोन लिया, एक मेरे लिए एक मेरे अब्बू के लिए, मैंने अपने अब्बू को आईफोन दिलाया है। जब आप ये प्राउड से कहोगे तो मैं आपको मानूं। माँ बाप के जो पैसे होते हैं उससे बच्चों के हमेशा जरूरतें पूरी की जाती है, और जो माँ बाप करते हैं अपने हर बच्चे के लिए, वो अपनी पूरी लाइफ गवा देते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चे की अच्छी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन हम जब बड़े होते ना, तो हमें चाहिए कि हम माँ बाप के सपने पूरा कर सके और अपने पैसों से अपने शौक पूरे कर सके। जब आप माँ बाप के सपने पूरे करते हो, तब देखना उनके दिल से निकली हुई दुआ तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करती है।